शाम के टाइम में आए हैं हम लोग पार्क, और यहाँ पे देखिए तालाब किनारे हैं मेरे हस्बैंड जी और मेरा बाबू है, बेटू है, और तालाब में पत्थर वगैरह फेंक फेंक के खेल रहे थे लोग। और बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे फ्रेंड, इसका रीज़न भी है, मैं बहुत दिनों से कोशिश भी कर रही थी अपलोड करने की लेकिन हो ही नहीं रहा था। आप लोग को एग्जैक्ट टाइम मैं थोड़ा सा वीडियो शूट की हूँ, उसको दूसरे ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरा ब्लॉग कई दिनों तक अपलोड ही नहीं हो रहा था, सबको अपलोड करके मैंने छोड़ा था लेकिन बहुत दिन हो रहे थे अपलोड नहीं हो रहा था। और शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो रहे थे फ्रेंड, लेकिन लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, ना ही कमेंट का मैं जवाब दे पा रही थी क्योंकि कमेंट का जवाब बहुत मुश्किल से इरोर करके लिख दे रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, यूट्यूब वाले ने क्या कर दिया था। तो अभी शाम के टाइम में मैं यहीं पे बैठ के साइकिलिंग थोड़ा बहुत कर रही थी, और देखिए खेल कूद रहे हैं बच्चे लोग, टहलने वाले टहल भी रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनुसेट ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड मेरा कई दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसका भी एक रीज़न था, मेरा जो चैनल है ना उस पर शॉर्ट वीडियो तो अपलोड हो रहे थे, लॉन्ग वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग बहुत सारे एडिटिंग कर दिए थे और रखे भी हैं, अभी धीरे धीरे आप लोग के सामने जाएगा ब्लॉग मेरा, यही कारण था मेरा ब्लॉग नहीं जा रहे थे। तो अभी मैं पार्क में टहल रही हूँ फिर फ्रेंड, और बच्चे जो है मेरे यहाँ पे आए हुए हैं, खेल रहे हैं, और हस्बैंड जी भी हैं, खेल रहे हैं यहाँ पे, लोग बैठे हैं। और हाँ, भजन कीर्तन इधर पास के मंदिर में चल रहे थे फ्रेंड, तो थोड़ी देर आवाज़ आ रही थी, थोड़ी देर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस को थोड़ा सा म्यूट करके इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाकी मैंने इसमें अपना आवाज़ दिया है। और यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर है ना फ्रेंड, बहुत सुकून भरा होता है और बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति भी मिलती है, इसलिए इधर और आना मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है इधर आके। फ्रेंड अभी मैं फिलहाल यहाँ टहल रही हूँ पार्क में, और शाम के टाइम में कोशिश करती हूँ आ ही जाऊँ, और मैं आप लोग को इधर का व्यू दिखाती हूँ कितना सुंदर है। देखिए फ्रेंड यहाँ आने पे ऐसा लगता है कि मैं खुल के सांस ले रही हूँ, घर में बंद बंद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और पार्क में आओ, एक दो चक्कर लगाओ तो थोड़ा सा सुकून सा मिलता है, अच्छा भी लगता है, मन फ्रेश हो जाता है मेरा, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे आ जाऊँ और टहलूँ। तो चलिए आप लोग भी टहलते रहिए मेरे साथ। वीडियो शूट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका एडिटिंग करके और यूट्यूब में अपलोड करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और क्योंकि पूरे फैमिली को देखना, सबको संभालना, सबका सपोर्ट करना, और ऊपर से ये यूट्यूब का काम करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोग के साथ जुड़ी रहूँ। इस तालाब में मछली पालन होता है फ्रेंड, और यहाँ का व्यूज देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं, और ये आसमान का नज़ारा बहुत ही अच्छा। देखिए रहा बेलपत्र का पत्ता,
वहाँ से आके तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मंदिर है जो कि माता रानी का है मंदिर, और फ्रेंड ऐसे ही आप धीरे धीरे ब्लॉग आएंगे मेरे, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।